हे गाइस दिस इज विशाल एंड आई एम हियर टू गिव यू ब्लैक फ्राइडे स्पेशल ट्रेनिंग ब्लैक फ्राइडे स्पेशल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है और आज मैं ऐसा एक वीडियो रिलीज कर रहा हूं जिसमें मेरी बहुत ही सिंपल पावरफुल बट सीक्रेट स्ट्रैटेजी लगी है जो आपको मदद कर सकती है एक अच्छा सा ट्रेड ढूंढने में अच्छा सा ट्रेड एग्जीक्यूट करने में और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है कैसे एंटर करना है कैसे एग्जिट करना है सारी चीज़ें इसमें है एंड माय फेवरेट स्ट्रैटेजी इट्स कॉल्ड सीआईपी चेंज इन पोलरिटी इसका एक, एक बार एक, आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल है और नीचे मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा आपको कितना सिंपल है और आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो और दूसरा ब्लैक फ्राइडे ऑफर अभी चालू है अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो शायद खत्म हो गया लेकिन अगर चालू है तो मेक श्योर यू टेक एडवांटेज ऑफ ब्लैक फ्राइडे ऑफर बिफोर इट गेट्स अवे सो एंजॉय दिस चेंज इन वीडियो फ्रॉम ओके सो आज हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो सी जो आपको पता है लेकिन आज हम उसको डीप में लेके जाएंगे और एकदम सेवन स्टार तक लेके जाएंगे ताकि यू गेट द बेस्ट सी आई पी एक्सपीरियंस राइट सी आई पी इज नथिंग बट चेंज इन पुलैरिटी okay are you guys ready so let's start with the first system on sc first I will show you on the screen here and then we'll show on the slides all right now if you see this there is always like a trend which is going like this let's say trend is going down okay and then it starts going up, देन स्टार्ट कमिंग डाउन एंड नेक्स्ट लाइक अ डबल बॉटम ह्योर ओके डबल बॉटम बनने के बाद यहां से बाय करना शुरू कर सकते हैं ये हमारा डबल बॉटम बाय हो सकता है सपोर्ट बाय हो सकता है रेंज शिफ्ट बाय हो सकता है राइट right? अब ये सी नहीं है जब ऊपर जाएगा और ब्रेकआउट दे देगा अब ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो डब्ल्यू पैटर्न है सिंपल राइट वी विल लर्न डब्ल्यू पैटर्न आल्सो टुमारो व्हिच इज़ वेरी वेरी सिंपल सिंपल डब्ल्यू एंड सिंपल एम पैटर्न ओके डबल टॉप डबल बॉटम अभी अभी हमने कुछ उस पर ट्रेड लिए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा जो बहुत ही सिंपल है राइट सो ना डब्ल्यू पैटर्न हो गया ब्रेकआउट हो गया अब क्या करेगा वो स्टॉक ब्रेकआउट देगा ये जो रेजिस्टेंस था वो जब वापस नीचे आएगा और यहां से एक बुलिश कैंडल बनेगा ग्रीन कैंडल और वो दिस इज कॉल्ड एज सी आई पी अब वो क्या कर रहा है कि ये डाउन ट्रेंड उसमें ये सारे रेजिस्टेंस नीचे नीचे लोअर टॉप लोअर बॉटम अब उसने पहले वाले टॉप को क्रॉस किया मतलब हायर टॉप हायर बॉटम शुरू हो गया ट्रेंड चेंज हो गया ट्रेंड अप हो गया देन ऊपर जाने के बाद जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उसी को उसने सपोर्ट बना दिया उसी को उसने लेवल बना दिया जहां से डिमांड आ रहा है राइट right? डिमांड आ रहा है और यहां से बाय करेंगे हमारा रिस्क कितना होगा एकदम छोटा सा एक कैंडल का राइट right? और ऊपर टारगेट ज्यादा हो सकता है और ये है नॉर्मल सीआईपी चेंज इन पोलैरिटी अब पहले तो ये समझो कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों होते हैं ये सपोर्ट है ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है, है, है ये सारे रेजिस्टेंस है ये सारे सपोर्ट support है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे तीन तरह के इंसान होते हैं

राइट right? और कुछ लोग फेंस पे खड़े हैं फिर वापस जब इधर आएगा तो क्या होगा अगर आपने एक बार यहां पे लेके बेचा यहां पे प्रॉफिट हुआ तो वु यू रिपीट योर एक्शन विल बाय अगेन जो लास्ट टाइम फेंस पे बैठे थे उनको लगा अरे लास्ट टाइम मिस हो गया इस बार बाय कर लेता हूँ बाय so जो लास्ट टाइम शॉर्ट करके बैठे थे उनको मिलेगा चांस टू ब्रेक इवन सो दे विल ऑल्सो बाय सो दैट्स हाउ द सपोर्ट रिपीट्स वही लेवल्स सालों साल के बाद भी वही सपोर्ट सपोर्ट का काम करता है ना अभी ये ऊपर जाने लगा राइट right? अब यहां पर जब रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा यह रेजिस्टेंस है तो नेचुरली जो लास्ट टाइम शॉर्ट किया था वो वापिस शॉर्ट करेगा जिसने फेंस में बैठा था वो भी शॉर्ट करेगा और जिसने प्रॉफिट बुक करना था खरीदना था वो भी खरीदेगा सो ऑल दिस थ्री पीपल नाउ द बायर बाइंग फोर्स इज हायर सो इट क्रॉस्ड तो शॉर्ट वाले सब लॉस कर रहे राइट अब क्या होगा जब ऊपर जाके वापस वही लेवल पे आएगा तो शॉर्ट वाले को ब्रेक इवन मिलेगा कि भाई मेरा भाव आ गया मैं निकल जाता हूं और जिसने मिस कर दिया था ब्रेकआउट ट्रेडिंग वो भी बाय करेगा एंड दैट्स वाई द प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ बिकम सपोर्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइक दिस ऑर नो नो राइट सो इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द मार्केट फ्रॉम अ माइंड सेट कि ये भाव सपोर्ट सपोर्ट आपको बहुत सारे वीडियो में सपोर्ट पे बाय करना है रेजिस्टेंस पे बाय सेल करना है क्यों करना है यू गो बिहाइंड द वाई ऑफ वाई द मार्केट इज बिहेविंग इन दिस मैनर देन योर कॉन्फिडेंस इज हाई राइट आपको आ, पहले के जमाने में पता है रिचुअल्स होते थे कि भाई इधर इधर पैर छुओ इधर गुलाब डालो इधर ये करो तो हम लोग कर लेते थे ब्लाइंडली क्योंकि पापा ने बोला है मम्मी ने बोला है करो आजकल के बच्चों को बोलो कि भाई ऐसा करो वो ठेका क्यों लॉजिक क्या है मतलब उपवास करते हो क्या लॉजिक है जब लॉजिक समझ में आएगा तो आप अच्छे से करोगे राइट right? नहीं तो आप ब्लाइंडली करोगे तो आप उस पर विश्वास नहीं करो करना पड़ रहा है राइट तो दैट्स द डिफरेंस सो नाउ यू अंडरस्टूड कि वाई प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट सो नाउ आई एम रेडी टू बाय विद अ स्मॉल कैंडल एंड देन इट स्टार्ट मूविंग अप मेरा रिस्क रिवॉर्ड वन इंस टू तो थ्री से ज्यादा होना चाहिए बस वन इंस टू तो थ्री से ज्यादा हो गया तो मैं ट्रेड लूंगा अब ये हो गया रेगुलर सीआईपी चेंज इन पोलैरिटी जैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है वैसे उल्टा भी हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन सकता है सो आई शो यू सम्लाइड्स एंड देन वी विल गो इन टू सेवन स्टार सीआईपी जो पहली बार आई वॉन्ट टू टीच यू राइट नाउ ऑन दिस प्लेटफॉर्म राइट लेट्स गो गोके लेट्स अंडरस्टैंड चेंज इन पोलैरिटी, चेंज इन पोलैरिटी मतलब क्या कि पहले का सपोर्ट ब्रोकन सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस अ ब्रोकन रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट लुक फॉर कैंडल रिवर्सल सिग्नल मतलब अगर सपोर्ट पे है तो ग्रीन कैंडल आना चाहिए रेजिस्टेंस पे है तो रेड कैंडल आना चाहिए चेंज इन प्लैरिटी वेन अकर्स प्रोड्यूस अ डिसेंट मूव मतलब यहाँ से एक अच्छा मूव शुरू हो सकता है और होता है राइट फर्स्ट द फर्स्ट सी आई पी इज अ सेवन स्टार ट्रेड ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा कैसे करना है लेट्स गो विद दिस जो मैंने अभी सिखाया पहले का रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बन जाता है अब वहां पे एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए ग्रीन कैंडल दिखता है ये ऑरेंज है और यहां से एंट्री और यहां से स्टॉप लॉस राइट सिंपल और फिर वो ऊपर की तरफ जाता है जो पहल, पिछला रेजिस्टेंस है वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा दैट कुड बी वन एज टू टू वन एस टू थ्री वन एस टू फोर वन एज टू थ्री से ज्यादा होगा तो ही इस पर ट्रेड करना है विच वुड बी अ बेटर सिग्नल नाउ यहां पे रूल्स लिखे हैं स्विंग ट्रेडिंग ये स्विंग ट्रेड में काम आएगा आइडियल टाइम फ्रेम डेली और 60 मिनट्स पे देखना है अगर हमको सिक्स फिगर ट्रेड के लिए करना है ये और स्विंग ट्रेडिंग के लिए करना है तो डेली और 60 मिनट्स पे करना चाहिए राइट देन बाय अबाउ द ग्रीन कैंडल हाई एंड स्टॉप लॉस बिलो द ग्रीन कैंडल लो विच कुड बी द स्टॉप लॉस विच कुड बी द लेवल वेर द कैंडल स्टार्ट राइट right? सो so, ये यह कंफर्मेशन कैंडल है ये अलर्ट कैंडल है ये इसको ट्रिगर कैंडल भी बोल सकते हैं जो बोलना है बट यहां पे मुझे पता चल रहा है कि चेंज इन प्लेरिटी चल रहा है राइट सो लेट सी सम एग्जांपल्स टारगेट हमारा वन इज थ्री से बेटर होना चाहिए दिस पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट का काम कर रहा है अब यहां पे चार बार सपोर्ट का काम कर रहा है एक बार दो बार तीन बार चार बार राइट right? सो ऑल दैट आर सी आई पी बट पहली बार दूसरी बार में कुछ खास रिटर्न नहीं मिला तीसरी और चौथी बार में काफी अच्छा रिटर्न मिला राइट सी हाउ द प्रीवियस सपोर्ट रेइिस्टेंस वर्क यहाँ पे भी प्रीवियस सपोर्ट प्रीवियस राइसटेंस नाउ बिकम सपोर्ट दो या तीन बार आया तीनों बार बहुत अच्छा मूव प्रोड्यूस किया अब यहाँ से ये हमको एक सेटअप है सी देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग वॉट यू कैन अंडरस्टैंड वन इज सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग एंड वन इज सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग अंडरस्टैंड दिस सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग मतलब जैसे आपका टॉप बॉटम है या ए बी सी डी सिस्टम वन है जो जिसमें एकदम क्लियर कट रूल है बाय मतलब बाय सेल मतलब सेल स्टॉप लॉस दिमाग लगाना ही नहीं है मतलब एकदम क्लियर इसको बैक तो इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं मतलब प्रोग्राम लिख दिया और वो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करेगा सिस्टम ट्रेडिंग दूसरा होता है सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप क्या है ये सेटअप है जो अभी हमने सीखा सी सेटअप पे आया फिर हमको अपना दिमाग लगाना है थोड़ा बहुत राइट क्योंकि एक सेटअप हो गया सेवेंटी परसेंट काम हो गया कि सेटअप है अभी मेरे को एंट्री कहाँ करना है वन एंड एग्जिट कहाँ करना है टू और री एंट्री कहाँ करना है थ्री या पिरामिड कहाँ करना है फोर ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा ये हमको डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा बैक टेस्टिंग और थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए राइट जब आप पूरा एक साल रहोगे अब सपोर्ट मिलता जाएगा तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ यू आर ओनली वाचिंग दिस दिस इज सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग और जो लोग सेटअप बेस्ड भी नहीं करते सिस्टम भी नहीं करते ऐसे बोला चलो किसने बोला ये ले लो वो ले लो तो दैट इज नॉट कॉल दैट्स कॉल्ड रैंडम ट्रेडिंग राइट तो सेटअप बेस्ड जैसे मेरे आपने केस स्टडी वीडियो देखे होंगे अभी सेवन फिगर एट फिगर वो सब सेटअप पे ही था मतलब उसमें मैंने अपना डिस्क्रिप्सन यूज़ किया था कि कहाँ मुझे ऐड करना है कहाँ नहीं करना है राइट right? ये चीज को मास्टर करना पड़ेगा अगर सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग को मास्टर कर सकते हो कोई भी एक सेटअप ये सेवन सीआईपी है दूसरा सेटअप क्या है जीएफएस है तीसरा सेटअप क्या है लेट्स डाइवर्जेंस है चौथा पीआरडी एनआरडी है ये सारे सेटअप है बट उसमें फिर अपने को दिमाग लगाना है कि कितना ट्रेड करना है एंट्री एक्सिट खाली टॉप बॉटम है सिस्टम वन है कप है उसमें एकदम क्लियर है एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट सब सब सेट है उसमें दिमाग नहीं लगाना है राइट सो बट आई वुड सजेस्ट दैट ओनली सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग विल नॉट हेल्प आई वॉन्ट यू टू मैस्टर सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग रिमेंबर एवरी वन हियर टेन एक्स एंड ट्रेडर मी सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग को मास्टर करना पड़ेगा भले मैं नहीं बोल रहा हूँ पचास सेटअप को मास्टर करना है एक या दो या तीन मैक्सिमम जो हम करवा रहे हैं दैट्स मोर देन इनफ इफ यू सी ऑल आवर टेन एक्स स्टूडेंट्स राइट नाउ आर मेकिंग सेवन फिगर और हाई सेवन फिगर ट्रीज सेवन फिगर मतलब ऐसा छोटा मोटा दस लाख बारह लाख नहीं पच्चीस लाख पचास लाख साठ सत्तर लाख तक जा रहे ये सारे सेटअप्स पे है ओके आई वी क्लियर ऑन दैट सेटअप वर्सेज सिस्टम राइट सो लेट सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑन योर स्क्रीन ये यहाँ पे सी आई पी ग्रीन कैंडल एंड बाय सी आई पी ग्रीन कैंडल एंड बाय अब जब मैं आपको एक एडिशनल एग्जिट स्ट्रैटजी वीडियो दूंगा आपके मेंबरशिप साइट में शायद होगा ऑलरेडी टीटीटी -टी में जहां पे अलग अलग तरह के एग्जिट्स है एक होता है इनिशियल स्टॉप लॉस एक होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक होता है टाइम स्टॉप लॉस एक होता है टारगेट बेस्ड स्टॉप लॉस एक होता है साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस ये पांचों पांच लेवल पांचों पांच तरीके हैं एग्जिट करने के सेटअप बेस में हमको कोई भी एक या दो यूज करना पड़ेगा सिस्टम में तो स्टॉप लॉस होता ही नहीं है एग्जिट क्लियर है कि यहां पे एग्जिट करना है लेकिन सेटअप बेस में हमको अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये में से मैं पहले इनिशियल स्टॉप लॉस लगाऊंगा फिर जब टाइम ऊपर ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊंगा और टारगेट आ गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा राइट सो दिस आर रेगुलर सी फॉर बाय अब सेल वाले देखते हैं पहले एंड देन वी गो टू द सेवन स्टार सिग्नल दिस इज योर सपोर्ट विच बिकम्स रेजिस्टेंस एंड देन यू हैव अ रेड कैंडल Which is below that is an entry for short, above that entry for stop loss, right? And then potential target is your swing low, which could be one is to two, one is to three, and then we have the strategy: swing trading ideal time frames daily and sixty minutes. Sell entry below red candle low, stop loss above the swing candle high. That's your stop loss and target is one is to two, one is to three, right? Now here we have seen. पहले का rest, uh, पहले का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है एज सुन एज वी सी अ रेड कैंडल एंड अ कन्फर्मेशन वी कैन ट्रेड नाउ यू कैन सी दैट पहला एरो जहाँ पे है वहां से अगर आपने शॉर्ट करना शुरू किया तो अगले पाँच छः दिन में यू गेट अ गुड लाइक टेन परसेंट एंड देन अगेन सेकेंड रेड एरो से भी वापस वही चीज हो रहा है इस बार वो दस परसेंट से भी ज्यादा नीचे जा रहा है राइट देन लुक एट दिस वन विच इज अगेन यू हैव अ प्रीवियस सपोर्ट विच नाउ बिकम्स रेजिस्टेंस पहले वाले एरो पे वो दो तीन दिन नीचे गया बट नॉट अ बैड ट्रेड फाइव परसेंट एंड दूसरे वाले एरो पे यहाँ से काफ़ी नीचे मतलब दस परसेंट से ज़्यादा नीचे गया अब दस परसेंट से ज़्यादा नीचे जाएगा रिवर्स कैलकुलेशन करोगे कितना स्टॉप लॉस कितना रिस्क और कितना एक्सपोजर कितना क्वान्टिटी और माइंड वेल देर ये शॉर्ट ट्रेड है शॉर्ट ट्रेड हम लोग खाली फ्यूचर्स में कर सकते हैं कैश में नहीं कर सकते रिमेंबर दैट और वी कैन टॉट थिंक अबाउट बाइंग पुट ऑप्शंस बट अभी हम ये प्रोग्राम में ऑप्शन की बिल्कुल बात नहीं करेंगे नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा राइट सो लेट्स टॉक अबाउट ओनली लॉन्ग और शॉर्ट कैश एंड फ्यूचर्स यहां द सेम uh, like चार्ट चार्ट पहला सीआईपी था फिर ये दूसरा सी आई पी था मतलब बार बार वो नीचे नीचे जा रहा है राइट right? सो so यहां से भी हमको शॉर्ट सिग्नल मिल रहे पहले एरो पे now look at this now i'm going advance are you guys ready say yes, yes i'm ready in the chat box i'm ready <laughs> ये पहला जो एरो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब क्या है कि ये ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में चलेगा जब वो ब्रेकआउट देने के एक या दो दिन बाद तुरंत सीआईपी करता है और बढ़ने लगता है या घटने लगता है इन केस ऑफ शॉर्ट दैट इज लाइक फाइव स्टार सी आई पी ब्रेक आउट देने के तुरंत बाद एक या दो दिन में या तीन दिन में तुरंत वो ज्यादा ऊपर नहीं जाता है या ज्यादा नीचे नहीं जाता है सीआईपी पहले करता है फिर नीचे जाता है जबरदस्त तो ये मेरा फाइव स्टार सीआईपी है इसको मैं अच्छे से ट्रेड करूंगा और उसके बाद देखो कैसे अच्छा सा एक शॉर्ट ट्रेड मिला मेरे को राइट सो दिस इज द फर्स्ट एडवांस नगेट फॉर सीआईपी और दूसरा एरो है वो बहुत दिनों के बाद सीआईपी पे आता है दैट इज अ रेगुलर सीआईपी पहला सीआईपी है फाइव स्टार दूसरा सीआईपी है रेगुलर सीआईपी आर गाइस आज लर्निंग यस एंड देन हियर देर आर थ्री सी आई पी वन टू एंड थ्री पहला नजदीक वाला है वो भी चार पांच कैंडल के अंदर ही आ गया सो so, जैसे ही ब्रेक डाउन होता है एक दो दिन चलता है फिर वापस सीआईपी को क्लोज करता है मतलब इट इज क्लोजिंग दैट प्राइस आई विल एक्सप्लेन यू अगेन ऑन द चार्ट बट लेट्स फर्स्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड सीआईपी वाला इज फाइव स्टार एंड थर्ड आर रेगुलर यहां पे एक भी फाइव स्टार नहीं है यहां पे रेगुलर है राइट यू आर दिस ऑल्सो एज रेगुलर सी आई पी ड नॉट है फाइव स्टार सी आई पी राइट सो फाइव स्टार सी आई पी ऑलरेडी आपने सीखा so so now let's understand what I, what do i i do mean by this this five star there so there is is level where there is a resistance वहाँ से नीचे आ रहा है और ये एक कैंडल ग्रीन बनता है जो ब्रेकआउट देता है ठीक है ब्रेकआउट देने के बाद वो एक दो दिन यहाँ पे टाइम पास करने के बाद वापस नीचे आता है और फिर से ग्रीन कैंडल देता है मतलब इमीजिएट सी आई पी इमीजिएट विद इन थ्री फोर डेज दिस इज कॉल्ड फाइव स्टार सी आई पी राइट अब ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है इसको बोलते क्लोजिंग द गैप क्लोजिंग द गैप मतलब क्या बोल रहा है कि ये भाव जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था जहां पे सेलर्स सेलर्स सप्लाई और ये भाव जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है यहां पे बायर्स है मतलब डिमांड राइट बायर्स और सेलर्स डिसाइड कर रहे हैं कि भाई अब मैं सेलर सेलिंग जोन में नहीं आऊंगा दे लॉक द प्राइस एंड नाउ इट इज गोइंग टू गो अप ओनली एंड दैट्स वाई इमीजिएट सी आई पी इज अ वेरी वेरी पावरफुल सी आई पी ब्रेकआउट के तुरंत एक दो दिन बाद तीन दिन बाद चार दिन मैक्सिमम पांच दिन बाद राइट सो दैट बिकम्स फाइव स्टार एंड देन वी कैन हैव वन एडिशनल मूव इन द मार्केट विच इज अ गुड मूव अब यहां पे जब ब्रेकआउट होता है ना ये वाला सीआईपी होता है तो जब टारगेट गिनते हैं तो हम लोग ये वाला रेजिस्टेंस को नहीं लेंगे ये रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस नहीं है इसके पीछे जो मेजर रेजिस्टेंस होगा शायद यहां पे वो हमारा टारगेट होगा सो so अगर आप बोलोगे मैं यहाँ पे हूं रेजिस्टेंस यहां पे है तो क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा बट ये रेजिस्टेंस है ही नहीं इट्स इट्स अ माइनर रेजिस्टेंस क्योंकि वो दो दिन में नीचे आ गया ना यहाँ पे कुछ पिछला रेजिस्टेंस होगा दैट वुड बी अ पावरफुल टारगेट

फाइव स्टार सी ये सपोर्ट था अभी रेजिस्टेंस चेंज ऑफ गार्ड राइट यूके में जाते हो पैलेस पे हो, कौन सा पैलेस है वहाँ पे बगिंगम पैलेस है वहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड का एक सेरेमनी होता है राइट right? जो एक रेड सूट में पहनता है ना तो बहुत सेरेमनी पावरफुल होता है कि जो गार्ड खड़े थे वो बाहर जाएंगे मतलब शिफ्ट हो रहा है शिफ्ट चेंज हो रहा है बेसिकली और कुछ नहीं लेकिन उन लोग ने इतना बड़ा बना दिया है तो वहां पे लोग हजारों लोग खड़े हो जाते हैं चेंज ऑफ गार्ड देखने के लिए सो बेसिकली दिस इज चेंज ऑफ गार्ड चेंज ऑफ गार्ड मतलब पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था अभी मैं रेजिस्टेंस का काम करूंगा नाउ दिस वॉज गार्डेड बाय द बायर्स नाउ दिस एरिया इज गार्डेड बाय द सेलर्स सिंपल राइट सो दैट्स फाइव स्टार सी आई पी हियर ओके सो नाउ लेट्स गो टू सी द सेवन स्टार सी आई पी आई इज लर्निंग वी आर गोइंग नेक्स्ट लेवल सेवन स्टार

फर्स्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट फर्स्ट 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट या रेजिस्टेंस एवरीथिंग फर्स्ट 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 हैज हायर वैल्यू पहली बार बहुत दिनों के बाद उसने 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया बेस्ट ट्रेड पहली बार बहुत दिनों के बाद उसने GFS 40, 60, 60, 40 किया बेस्ट ट्रेड फर्स्ट सीआईपी पहली बार डाउन ट्रेंड में पॉजिटिव सीआईपी हुआ है पॉजिटिव मतलब रेजिस्टेंस हैज बिकम सपोर्ट बेस्ट ट्रेड दैट बिकम्स फाइव स्टार सेवन स्टार राइट सो लेट मी शो यू सम चार्ट्स वेयर वी कैन सी बाय एग्जांपल्स ये पूरा डाउन ट्रेंड था और कंसोलिडेशन चल रहा था फिर ब्रेकआउट हुआ और फर्स्ट सी मिला मुझे फर्स्ट सी कैन ऑल्सो बिकम अ पोजिशनल ट्रेड विच कैन ऑल्सो बिकम सिक्स

Okay, let's see. I'll show you the best CIPs how it works. Go to Bank of Baroda. Do weekly chart. Okay. Go back. Go back. Yes. Uh. <coughs> put this line. This. See, this is my five star comes seven star signal together. यहाँ पे इफ यू मार्क दिस एरो ये पूरा एक बड़ा डाउन ट्रेंड था लॉन्ग डाउन ट्रेंड फ्रॉम द पास्ट यू कैन सी दैट और उसके बाद उसने डबल बॉटम बनाया फिर उसने बड़े वाइट कैंडल से ब्रेकआउट दिया और फिर उसने दो ही कैंडल के बाद सी किया चेंज इन पोलैरिटी और वहां से आपको दिखता छोटा है लेकिन ये पचास रुपए वाला सौ रुपया हो गया विद इन दिस दिस इज फिफ्टी टू हंड्रेड रुपी मूव मार्क दिस फ्टी टू हंड्रेड रुपी मूव हंड्रेड परसेंट पोजिशनल ट्रेड क्योंकि ये वीकली चार्ट पे है मतलब ये दो तीन महीना पोजिशनल ट्रेड हो गया राइट लेट्स डू सिमिलरली वी हैड समी एस यू बैंक ऑल्सो लेट्स गो टू जिंदाल स्टील राइट नाउ गो बैक समर हियर दिस वन नाउ दिस इज अ अस्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड और उसमें ये सबसे पहला सी है अब आप देखोगे कि थोड़ा ऊपर जाओगे तो और एक सी मिलेगा दिस वन पहले का रजिस्टर्स नाउ सपोर्ट दैट सेकेंड सी बट पहला जो है फर्स्ट इज द सेवन स्टार सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब आते रहेगा बट दैट्स नॉट द बेस्ट सी आई पी नेक्स्ट लेट्स डू टाटा मोटर्स अब टाटा मोटर्स में बहुत सटल है सटल दिख रहा है एकदम बहुत क्लियर नहीं है जस्ट मार्क दिस वन नीचे नॉट दैट यस दैट द फर्स्ट सीआईपी अगर यहां पे हम एंट्री करते हैं तो सेफेस्ट एंट्री विथ सेवन स्टार सिग्नल वहां से देखो द वेट मूव्ड नाउ यू कैन सी अ लॉट ऑफ सीआईपी हियर। लाइक, लेट लेट मी शो यू वन मोर सेकेंड देन शो यू थर्ड राइट दिस आर ऑल अदर एडवांस अदर सी आई पी बट द फर्स्ट वन इज द सेफेस्ट एंड द बिगेस्ट ट्रेड यू कैन मेक देयर ना ये वीकली चार्ट अगर डेली पे चार्ट पे जाओगे तो और भी सी आई पी दिखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे सी आई पी है गो फ्रॉम द टॉप या दिस वन आज इसके बाद मार्केट ऊपर है अपडेटेड नहीं है डेटा एंड देन दिस इज अनदर सी आई पी हियर लाइसेंस बिकम्स अ पॉट राइट देन देर इज स्मॉल हियर ऑल्सो लाइक सी दिस ब्रेकआउट के बाद तुरंत सपोर्ट ले रहा है दिस आर ऑल रेगुलर सी आई पीस बट दन विच वी गेट एट द बॉटम इज द फर्स्ट वन विच इज हियर सी दिस इज द फर्स्ट वन इन अ डाउन ट्रेंड और वो पहली बार रीटेस्ट हुआ दूसरी बार भी हुआ और वहां से मूवमेंट आया इज लर्निंग दिस इज सुपर एडवांस टफ एंड सुपर पावरफुल आ मूवमेंट कितना सिंपल है हम लोग खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है ना कोई आर भी लगाया ना कोई ट्रेंड लाइन ना कोई एडवांस इंडिकेटर सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए मैंने बोला जब बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आगे कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी थोड़े से एग्जाम्पल्स और देख लेते शॉर्ट वाले एंड ऑन द सेवन स्टार सिग्नल ऑफ सी

रिलीज uh, किया है विच इज ऑप्शन ब्लास्टर एंड सिक्स फिगर टेडअ कोचिंग प्रोग्राम सो मेक शोर क्लिक द लिंक एंड चेक आउट ब्लैक फ्राइडे ऑफर राइट नाउ